नमस्कार दोस्तों, फील और सब नेचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह कि मैं बहुत ही अच्छे प्लांट की जानकारी लेके आई हूँ। दोस्तों, मेरे गार्डन में ज़्यादातर वही प्लांट रहते हैं जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, इजी टू मेंटेन है, लो प्राइस वाले होते हैं। हालांकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों। तो इस प्लांट का नाम है अम्ब्रेला पाम ट्री। इसके अम्ब्रेला की जैसे छतरी नुमा फैला हुआ रहता है, इसीलिए इसे अम्ब्रेला पाम ट्री बोलते हैं। और ये पाम ट्री की वेराइटीज़ है। तो पाम ट्री, जितने भी पाम ट्रीज है दोस्तों, उसमें से मुझे ये अम्ब्रेला पाम ट्री बहुत ही बेस्ट लगा। इसका केयर करना सबसे आसान लगा। उसे तो मेरे पास फेन पाम ट्री भी है और एरिका पाम ट्री भी है, लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इसकी देखरेख करना बहुत आसानी होती है और कम मिट्टी और कम पानी में भी अच्छा ग्रोथ करने वाला प्लांट है। और ज़्यादा पानी भी आप डालो, कम पानी डालो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इसके छतरीनुमा ऊपर जो आप देखोगे वाइट कलर के फूल खिलते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं जब एकदम वाइट कलर के होते हैं तो। और जो इसकी न्यू पत्तियाँ होती है वो लाइट ग्रीन में होती है और जो पुरानी पत्तियाँ होती है वो डार्क ग्रीन में होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसके नए नए जड़ों से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और ये इसकी ग्रीनरी देखोगे, इसका जो फैलाव, इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर लगता है। गमले में आप लगाओ तो भी, आप गमले में आप मिट्टी के साथ में थोड़े से बालू मिक्स कर लगाओ तो बेहतर तरीके से होगा दोस्तों। मिट्टी में, ज़मीन पे मैं लगाई हूँ तो देखिए ज़मीन पे ऑलरेडी मिट्टी खाद वगैरह पहले से मिक्स, मतलब सॉरी, मिट्टी और पत्तियों तो का खाद पहले से मिक्स रहता है, इसीलिए मैं इसमें कुछ नहीं की हूँ। और ज़मीन पर थोड़ा सा मुश्किल होता है बालू मिक्स के लगाना, तो ज़मीन पर मैं सिंपल ऐसे ही लगा दी हूँ। और देखिए यहाँ से बेबी प्लांट निकलते जाते हैं, जड़ों जैसे जैसे जड़ें आगे बढ़ती जाती है नए नए बेबी प्लांट निकलते जाते हैं। और जो नए नए बेबी प्लांट जो होते हैं लाइट ग्रीन में, एकदम लाइट ग्रीन में, जैसे पैरोट कलर का होता है उसी तरह होते हैं, और फिर पुराने होते हैं तो डार्क ग्रीन हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों मुझे ये फैन अम्ब्रेला पाम ट्री जो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जो डाली आप देख रहे हो आसानी से टूटता नहीं है, झुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं, वैसा वाला हाल है। बहुत ही हार्ड होता है, इसको काटना पड़ता है तभी जाके मतलब टूटता है। ऐसे नहीं आप मतलब कोई आम ट्री की तरह ऐसा नहीं है कि फट से टूट जाएगा। बहुत ही हार्ड प्लांट है, लेकिन इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। ज़मीन पे होता है तो इसकी ऊंचाई बहुत हो जाती है, गमले में रहेंगे तो थोड़ी ऊंचाई इसकी कम रहेगी, लेकिन ज़मीन में इसकी जगह पर्याप्त मिलता है तो, और खाद पानी ज़्यादा मिलता है तो ऊंचाई इसकी, हाइट इसकी ज़्यादा हो जाती है। और बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों ये अम्ब्रेला पाम ट्री, तो आप इसे ज़रूर लगाएं। हो सकता है नर्सरी में थोड़े से महंगे मिले, लेकिन आप इसको ज़रूर लगाएं क्योंकि एक प्लांट से कई सारे प्लांट हो जाते हैं। और मैं इसको दिखाऊंगी इसके जो फूलों के बीज से भी हो जाते हैं, फूल के बीज जहाँ गिरते हैं वहाँ से भी बेबी प्लांट निकल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी एक जगह जहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन बीज इसके गिर गए हैं तो वहाँ से भी बेबी प्लांट निकल गए हैं। तो देखिए दोस्तों ये है वो, इसको कितनी बार मैं छाट के फेंक देती हूँ फिर भी यहाँ से नए नए जड़ों से इसके बेबी प्लांट निकल जाते हैं। ये बीज से हुआ है, तो ये जो अम्ब्रेला पाम ट्री है बीज से भी हो जाता है और बेबी प्लांट से भी हो जाता है, मतलब बेबी प्लांट अब लगाओगे तो उससे भी हो जाएंगे, तो दो तरीके से हो जाता है। हाँ, कटिंग से ये नहीं होता है। एक ये है दोस्तों, सीमेंटेड एरिया में देखिए इसके बीज गिर गए हैं, हालाँकि ये बहुत छोटे छोटे में बहुत ही अच्छा, लेकिन लुक इसका बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हाइट इसकी लंबी नहीं है फिर भी छोटे छोटे में बहुत घना हो गया है और बेबी प्लांट भी इसके निकल आए हैं। और ये देखिए सीमेंटेड एरिया, चारों तरफ सीमेंटेड एरिया है फिर भी बहुत ही अच्छा मतलब हो गया है, बीज गिरे हैं तो इससे ये हो गया है। तो अम्ब्रेला पाम ट्री आप ज़रूर लगाएं दोस्तों, मुझे ये बेस्ट लगा अम्ब्रेला पाम ट्री। इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। आप दोस्तों इसको गार्डन में देखोगे जो ऐसे छतरी नुमा होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, अम्ब्रेला की तरह इसका फैलाव रहता है तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी लुक। और ये जो लाइनिंग लाइनिंग वाली जो ऐसे अम्ब्रेला की तरह है तो सुंदर लुक भी निखर के आता है। तो ये पाम ट्री आप दोस्तों ज़रूर लगाएं। नर्सरी में महंगा मिल सकता है इसकी, और आप बालू मिक्स कर और गमले में अगर आप लगाएं तो आप चाहे आप खाद लगा डाल सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट या काउडंग कोई भी खाद आप डाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये ज़मीन पे लगाई हूँ और मैं इसमें कोई खाद वगैरह डालती नहीं हूँ, सिंपल पानी डाल देती हूँ बस, पानी की भी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो इसके जो देखिए जड़ों से अगर आप कहीं से लाएँ तो जड़ों से लेके आए, जड़ें निकाल के लाएँ, इसके थोड़ी जड़ें हार्ड होती है, बहुत नीचे ज़मीन के नीचे होता है, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिट्टी के साथ में आप उखाड़ के लेके आएँ तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और नर्सरी से लाए तो कोई बात नहीं, नर्सरी में थोड़े से महंगे ज़रूर मिलेंगे, पाम ट्री कोई भी नर्सरी में थोड़े से महंगे मिलते हैं, जो भी पाम ट्री के वैरायटीज़ होते हैं थोड़े महंगे मिलते हैं। तो आप इसे ज़रूर लगाएं दोस्तों, और इसकी ग्रीनरी देखिए कितना सुंदर लग रहा देखने में। और मेरी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।